Hello friends, welcome back of you in YouTube channel Civil Engineering and Technology. आपका स्वागत है इस YouTube channel में जिसका नाम है Civil Engineering and Technology. ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि what is 162 in t square upon 162. पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब फॉर्मूला निकालते हैं कि स्टील वेट का कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी स्टील वेट का वो फार्मूला बताया मैंने. ठीक है, और राउंड बार का वेट कैसे निकालते हैं, तो उसमें मैंने बताया था आपको 160 डी स्क्वायर अपॉन 162. तो आज मैं बताता हूँ इसमें 162 कैसे आया. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. और शुरू करने से पहले बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. यूट्यूब में आप जैसे ही सर्च करेंगे CE&T विदाउट स्पेस तो आपको चैनल मिल जाएगा. आप इसको सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रिसर्च कर सकते हैं. इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना. जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी आपको उस पर बेल आइकन दबाने से मिल जाएगी. जो भी मैं सिविल इसमें अपलोड करूँगा वो आपको वीडियो मिल जाएगी. ठीक है, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी मैं इसमें वीडियो अपलोड करूँ वो आपको मिस ना करें आप. ठीक है, तो शुरू करते हैं. वट इज 162 इन डी स्क्वायर अपॉन 162. ये 162 क्या है? ठीक है, सपोज कीजिए हम एक स्टील का वेट निकालते हैं कैसे, एक क्यूब में. आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था 1 मीटर क्यूब. ठीक है, 1 मीटर क्यूब में हम जैसे वेट निकालना है तो होता है डेंसिटी ऑफ स्टील कितनी होती है हमारे पास, 7850 kg पर मीटर क्यूब. 1 मीटर क्यूब में 1850 kg हो जाए, या फिर 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 7850 kg. ठीक है, स्टील वेट. स्टील वेट जो हमारा होगा एक मीटर में 1850 kg, या फिर डेंसिटी ऑफ स्टील क्या होता है, 7850 kg पर मीटर क्यूब. या उसको यूनिट वेट भी कह सकते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे हमें निकालना था, देखो 162 हमें निकालना है और d हमें इसमें ये फाइंड आउट करना है कैसे आया. ठीक है, ये फाइंड आउट करने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेट का वो निकाल लेते हैं. वेट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, वेट का फार्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. ठीक है, वॉल्यूम सपोज कीजिए हम ये डी स्क्वायर हम निकालना है बार में, स्टील बार में वेट निकालना है. ठीक है, ये स्टील बार है, ये जो हमारे पास डाया है ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, और इसकी लेंथ है हमारे पास है, डाया हमें किसी भी स्टील बार का ले सकते हैं, लेंथ हमारे पास 1 मीटर. ठीक है, वेट क्या है हमारे पास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम हमारे पास क्या है, एरिया इनटू लेंथ. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी. अब क्या करना है, एरिया हमारे पास क्या है, एरिया हमारे पास पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर. ठीक है, लेंथ हमारे पास क्या है, 1 मीटर. ठीक है, लेंथ हमारे पास 1 मीटर. और डेंसिटी हमारे पास क्या, स्टील की वेट की 7850 kg. ठीक है, अब देखिए पाई हमारे पास क्या है, 3.14 डिवाइड बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू. अब इसको mm में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमारे पास तो जो डाया आएगा ना वो mm में ही आएगा, तो हमें mm में फाइंड आउट करना है. mm में करने के लिए हमारे पास mm को कन्वर्ट कर लेते हैं एक मीटर में 1000, बिकॉज देखिए 1 मीटर होता है इक्वल टू 1000 mm एंड 1 मीटर क्यूब होता है इक्वल टू 1000 mm इंटू 1000 mm इंटू 1
1000 mm, या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 1 मीटर स्क्वेयर, 1 मीटर स्क्वेयर इक्वल टू 1000 mm क्यूब, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm और 1 mm क्यूब इक्वल टू 1000 क्यूब, दोनों तो क्यूब लग जाएगा, ठीक है, बराबर होता है। तो देखिए 7850 kg का भी हमें mm निकालना है। ये देखा डेंसिटी क्या हमारे पास 7850 kg पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब 7850 kg, इसमें हमें मीटर मीटर है, मीटर में है ये, 1 मीटर क्यूब में, तो इसको 1 mm क्यूब में निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, 1000 × 1000 × 1000, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे क्या आता है हमारे पास, 0.785, इसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए हमारे पास डी स्क्वेयर आ गया। अब देखिए हमारे पास 1000 है, इसको हम 1000 से 1000 कट कर देते हैं, एक जीरो से हम एक जीरो कटिंग कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आया 785 डिवाइड बाई 30 और 20, ये बची 20, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 0.785 इंटू डी स्क्वेयर इंटू, अब इसको डिवाइड करने पर देखो ये इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड करने पर आता है 2, 3, 4, 5, 0.00616625, ठीक है। 1000 है, 1000 को हम इससे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर आता है 0.00616625। अब इसको डी स्क्वेयर इंटू इसको और इसको दोनों पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आता है, 1000 हमारे पास, 10 इसको डिवाइड ये हमारे पास चलता क्या, तो 1 इसको डिवाइड करने पर 1000 जीरो है, तो इसको जीरो करने पर हमारे पास आता है 0.00785, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करने पर आता है ना, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 0.00785, तो डी स्क्वेयर। अब देखो ये क्या करना है, इसको ये हमारे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये आना था 0.00616625, ठीक है। इसको डिवाइड करने पर हमारे पास क्या है 0.785, और डाई स्क्वेयर इंटू 785 अपॉन 1000 इसको, ठीक है, इसको डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाता है 0.00785, ठीक है, 1,00,785 से, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर आता है डाई स्क्वेयर अपॉन इंटू 0.00785, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों मल्टीप्लाई करने पाता है 0.006125। अगर हम डायरेक्टली ये याद हो जाता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, सपोज कीजिए अगर हम इससे निकाल सकते हैं तो इसको फार्मूला देखिए, 12 स्क्वेयर डाई हमारे पास 12 mm स्क्वेयर इंटू 0.00616625, इससे भी मल्टीप्लाई करने पर आपका स्टील वेट निकल जाएगा। इसको फार्मूले का हमें थोड़ा और छोटा करना है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डी स्क्वेयर पॉइंट वन 0.06 अपॉन 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, अगर नीचे 1 आ जाए तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, अगर 1 ऊपर चला जाए तो मतलब होता है ना। अब देखिए हम इसको और छोटा फार्मूला करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, डाई स्क्वेयर ऐसे ऐसे चले जाएगा ऊपर, ठीक है। अब ये इसको गुना एक से इससे गुना किया ये आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई ये आ जाएगा ऊपर 1 अपॉन 0.00615, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको क्या हमारे पास आया, ये फाइंड आउट करने पर इसको 0.00616625 इसको डिवाइड करते हैं 1 से, तो क्या आता है हमारे पास 162.27, ये आता है।
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर डी स्क्वेयर अपॉन 162। एक्चुअल बिल्कुल एक्चुअल पे निकालना है 162.27 से ही निकलेगा एक्चुअल रेट, तो हम उसको याद रखने के लिए 162 ही लेते हैं, ठीक है, थोड़ा याद करने के लिए। देखा आपने 162 आ गया आपके पास, डी स्क्वेयर अपॉन 162। तब देखिए कैसे निकालते हैं, सपोज़ कीजिए हमारे पास डाया है 10 mm स्टील वेट, ठीक है, डाया हमारे पास 10 mm, तो स्टील वेट के फार्मूला क्या है हमारे पास, डी स्क्वेयर अपॉन 162, डाया हमारे पास 10 × 10 mm अपॉन 162, ठीक है, इसको डिवाइड बाई मल्टीप्लाई करने में क्या आता है हमारे पास, .617 kg, ठीक है। अगर अगर आपके पास है डाया 10 mm, अगर आपके पास है डाया इक्वल टू 12 mm, तो आप क्या करेंगे, फार्मूला वही डी स्क्वेयर अपॉन 162 इक्वल टू 12 × 12 अपॉन, ये हमेशा डाया मैंने बताया था आपको, डाया हमेशा आपको mm में ही लेना है, और 162 डाया आपके पास 162 अपॉन 160, ठीक है। देखिए डाया स्टील का वेट निकालने के लिए आपके पास ये डाया होगा, ठीक है, उसकी लेंथ होगी, सब ये लेंथ है हमारे पास 1 meter, ठीक है, 1 meter का मान लीजिए, 1 meter का स्टील वेट है आपके पास, और डाया आपके पास ये डाया आता है ना पूरा, अगर इसको आधा ले लेते हैं रेडियस हो जाती है त्रिज्या, और डाया हो जाता है उसका पूरा व्यास, ठीक है, 12 × 12 इक्वल टू 144 अपॉन 162 इक्वल टू 0.888 kg, ठीक है, kg ये आएगा आपके पास पर मीटर, 1 meter में इतना वेट, kg पर मीटर, ठीक है। डाय आपके पास 10 mm, 10 mm में 0.617 kg पर मीटर, एंड डाई आपके पास, अगर आपके पास है 12 mm, तो डाई स्क्वायर 162 तो आएगा 0.888 kg पर मीटर, ठीक है। तो आप इससे किसी भी स्टील का वेट निकाल सकते हैं, 8 mm से 50 mm, ठीक है, उसका आप पूरा वेट निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा स्क्वेयर बार में जो स्क्वेयर बार निकालते हैं उसका फार्मूला क्या है, उसका डेरिवेशन क्या है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए हमारे साथ।